नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बनने वाले एकीकृत टेक्सटाइल परिधान जोन संबंधी प्रस्तुतिकरण देखा। जनसंपर्क, ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा से की मुलाकात। और श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य के आश्वासन और अपील के बाद आंदोलनरत ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि हाल ही में प्रदेश के जिन ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है वहां तत्काल सर्वे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। वे 18 मार्च से खुद भी ओला प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जिलों के 1000 से अधिक गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। वैसे प्रदेश में प्रभावित ग्रामों की संख्या 1400 से अधिक है। मुख्यमंत्री ने देर शाम एक बैठक में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संयुक्त सर्वे दलों में राजस्व, कृषि एवं पंचायत के अमले को शामिल किया जाए। सर्वे के दौरान नुकसान के आकलन की जानकारी पंचायत में प्रकाशित की जाए। कटाई के बाद खेत खलियान में खराब हुई फसलों में भी मुआवजा दिया जाए। ग्वालियर में विश्व स्तरीय एकीकृत टेक्सटाइल परिधान जोन दिसंबर 2016 तक बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस परिधान जोन के निर्माण में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जोन से 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर हुई बैठक में परिधान जोन के निर्माण से जुड़ी कंपनियों की ओर से निर्माण कार्य योजना का प्रारूप सौंपा गया। इसके लिए भारत सरकार के वस्त्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं से सहयोग लिया जाएगा। उद्योग तथा राजगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री यशोधराजे सिंधिया ने राजगढ़ जिले के ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने नरसिंहगढ़, बायपास, नरसिंहपुरा, खेड़ी, गनियारी आदि गांवों में क्षतिग्रस्त खेतों तथा किसानों के मकानों का जायजा लिया। यशोधराजे सिंधिया ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का सर्वे कर बीमा का अधिकतम लाभ दिया जाए। किसानों की शिकायत पर सिंधिया ने कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैंकर्स से किसानों द्वारा जो प्रीमियम की राशि दी जाती है उसकी रसीद अवश्य लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक जल्द बुलाने की बात भी कही। प्रभारी मंत्री सिंधिया ने गनियारी में ओले से क्षतिग्रस्त मकानों का भी जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि इसके लिए भी उन्हें उचित राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मौसमी रोगों से जनता को बचाने के उपाय बताने का अभियान लगातार संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में 15 मार्च तक स्वाइन फ्लू के 4,299 नमूने लिए गए। इनमें कुल 1,909 पॉजिटिव पाए गए, कुल 2,325 नमूने निगेटिव पाए गए। राज्य में 1,542 रोगी उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वर्तमान में सरकारी अस्पताल में 53 रोगी उपचार ले रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण और संबंधित अधिकारी और चिकित्सक मौजूद थे। मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अब दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 250 रुपए का जुर्माना वाहन चालक को देना होगा। इस आशय की अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में दिनांक 3 मार्च को प्रकाशित कर दी गई है। राज्य में जन स्वास्थ्य रक्षा के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संवाद अभियान का शुभारंभ किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन सभाकक्ष में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर 51 जिले में भ्रमण कर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अमल पर नजर रखने वाले अधिकारी उपस्थित थे। अभियान के अंतर्गत रोगों से बचाव की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य का हाल जानेंगे और उनसे संवाद स्थापित कर रोगों से बचाव के लिए आवश्यक परामर्श और सेवाएं देंगे। अभियान में विभाग की फ्रंट लाइन आर्मी के रूप में कार्य कर रहे 90,000 कर्मचारी और अधिकारी घर घर दस्तक देंगे। यह अभियान 16 से 31 मार्च 2015 तक चलेगा। इसमें क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM, MPW, HLV, MPS और आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी अपने अपने क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में घर घर जाकर जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी एवं सलाह देंगे। वायरल और वेक्टर बोर्न डिजीजों के संबंध में हर घर में ये जानकारी, छोटी छोटी जानकारी है जिसे हमें घर घर ही जाके देना है और बताना है कि इनका सरल इलाज ये है, इसका लक्षण ये है। लेकिन आप इसे हल्के से न लें, शासकीय चिकित्सालय में जाएं, अपनी डॉक्टरी न करें और शासकीय चिकित्सालय में जाएं। 2 मिनट में जांच होती है, निशुल्क जांचें होती हैं और फिर हम
कई बार शासकीय चिकित्सालयों में भीड़ होती है तो लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन इसकी चिंता न करें, लाइन तो लगानी पड़ेगी, लेकिन जाएं, अपना जांच करवाएं और स्वस्थ हो जाएं। श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य की अपील पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने की बात मान ली है। श्रम मंत्री को मांग पत्र सौंपने पहुंचे संयुक्त मोर्चा की मांगों पर आर्य ने गहन विचार का आश्वासन भी दिया। संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल में इंटक मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आर डी त्रिपाठी, भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय महासचिव सुल्तान सिंह शेखावत, एटक के प्रांतीय महासचिव रूप सिंह चौहान, सीटू के प्रांतीय महासचिव प्रमोद प्रधान, एचएमएस के अध्यक्ष हरिओम रघुवंशी, सेवा की प्रांतीय महासचिव शिखा जोशी और अध्यक्ष एआईयूटीयूसी जेबी बरे शामिल थे। संयुक्त यूनियन मोर्चा ने 11 सूत्री मांग पत्र में से मुख्य रूप से जिन तीन मांगों पर चर्चा की उनमें बीड़ी तथा औद्योगिक श्रमिकों, आकुशल श्रमिकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन शामिल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।